दोस्तों आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको एक पोल्ट्री स्पेशलिस्ट से, जो कि दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों आपको पोल्ट्री में कभी भी नुकसान नहीं लगेगा। चाहे आप प्राइवेट फीड खिलाएं या अपना खुद का फीड खिला रहे हों, लेकिन कभी भी नुकसान नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं वीडियो को। जी जितना वजन आएगा कम खाएं, उसी में फायदा है। जी तो दो चीजें आप बताइए, चूजे की जो कॉस्ट है उसमें कोई कटिंग कर सकते हैं लोग? चूजा डालना ही है ना, तभी तैयार होगा। जी बिल्कुल, उसकी कॉस्ट जो है देनी है। जी दाने में कुछ बचाव कर सकते हैं? दाने में सर, दाने का पैसा लगाना है या वो भी है? नहीं लगाना है सर। सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है? दाने में। सबसे ज्यादा दाने में, फिर दूसरा बच्चे में। जी मेन कॉस्ट यही है। ठीक, उसके बाद में हम क्या लगाते हैं? जो हम दाना खिला रहे हैं, जो हमारा बच्चा है, वो बच्चे दाना कम खाए, वजन ज्यादा हो, इसीलिए हम कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग करें जिससे कि वेट पर्याप्त मिले। जी अब हमने मुर्गी को 20 दिन दाना खिला लिया और कोई बीमारी आ गई, सारी मुर्गी मर गई, तो किसका नुकसान है उसमें? फार्मर का। 20 दिन दाना खिलाने पे अगर चार मुर्गी भी मर गई तो 20 दिन का दाना साथ में एक मुर्गी, ये दो नुकसान हुआ ना। जी तो अभी जो हम लोग आज यहाँ बात करेंगे, बेसिक पे बात करेंगे। जी दवा तो आप लोग यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला मुर्गी पालन में है। जी आप कोई भी अच्छी वैंकीज का या किसी अच्छी कंपनी का बच्चा ला के डालिए, बहुत अच्छा फीड खिला दीजिए, लेकिन बायोसिक्योरिटी और मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया है जी, आप कभी भी फायदे में नहीं रहेंगे। जी मैनेजमेंट का कोई अल्टरनेट नहीं है। दाना रखा हुआ है मुर्गे के सामने नहीं जाएगा तो कुछ फायदा है नहीं। पानी पर्याप्त नहीं है, दाना ही खिलाएंगे तो कोई फायदा है? लाइटिंग अगर हमें सही नहीं रखी है तो कोई फायदा है? जी ठंडी से बचाव नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, नुकसान होना ही होना है। जी तो हमें सबसे पहले ध्यान का रखना है ठंडी के समय का, इस समय जो चल रहा है मौसम, दिन का कैसा है? थोड़ा गर्म रहता है सर, रात ठंडी है और सुबह का समय और ज्यादा ठंडा है। जी तो टेम्परेचर का ध्यान रखना है। जी पहले हफ्ते का जो बच्चा है, फर्स्ट वीक का, उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए 24 घंटे, एक हफ्ते तक। जी उसके बाद में हर हफ्ते 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं, यानी दूसरे हफ्ते में 32 से 33 डिग्री, फिर 2-3 डिग्री कम कर देंगे, 29 से 30 डिग्री, ऐसे करके चाहिए होता है। तो 4 से 5 हफ्ते मुर्गी रहती है हमारे यहाँ। जी ठीक, चूजा जब आ रहा है तो उससे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि फार्म में जो हमने सफाई की है, सफाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने लीटर उठाया और बाहर फेंक दिया, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, वो खुली आँख से दिखते नहीं है। जी तो उसके लिए हमें डिसइंफेक्टेंट अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, जो कि हर तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारे और लंबे समय तक कारगर रहे। जी तो चूजा जिस दिन हम निकाल रहे हैं दूसरे दिन लीटर हटवा दें, और एक कोर्सोलिन टीएच आता है बायोसिक्योरिटी के लिए, उसका ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरीके से पर्दे, अंदर बाहर सारा सफाई करा दें, फीडर ड्रिंकर को बाहर ले जाके एक साफ से धुल दें, पाइपलाइन अगर हमने लगा रखी ऑटोमेटिक ड्रिंकर है तो पाइपलाइन की सफाई कर दें, फ्लशिंग कर दें उसकी, ये ध्यान रखना है। चूजा आने से पहले हमारे पास जो एक हफ्ते की दवा है वो उपलब्ध होनी चाहिए, साथ ही साथ 6 घंटे पहले हम ब्रूगर चला दें। जी अभी चलाएंगे तो तुरंत तो ठंडा कर गर्म कर देगा, तो 6 घंटे पहले हम ब्रूडर उसका जो है वो चला के रखें, बुखारी जो है, इससे क्या फायदा होगा, पूरे वातावरण का टेम्परेचर सही हो जाएगा। और जो थर्मामीटर हम लगाएं इस साइड से ऊपर का ना लगाएं, क्योंकि मुर्गा उसके नीचे ही रहना है। जी इस साइड पे लगाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर अलग है, नीचे का टेम्परेचर अलग होता है। जी लीटर जो इस समय हम भूसी डालते हैं कम से कम 3 इंच डालनी होती है ठंडी के समय में। जी जिससे नीचे से ठंडी ना आने पाए। चूजा जब आता है तो 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है, 40 ग्राम से कम का बच्चा ना हो। जी एवरेज 40 ग्राम होना चाहिए, जो उसका डब्बा है उसमें 2-3 मोटेलिटी हो समझ में आता है, लेकिन बहुत ज्यादा मोटेलिटी ना हो। जी एक आध डिब्बे में मोटेलिटी दिखती है ठीक है, दूसरे में ना हो। चूजे का जो पैर है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लंबी दूरी से चूजा चल के आ रहा है उसमें CRD जैसी समस्या आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जी साथ में और भी डिजीज, कमजोर है बेचारा तो दिक्कत आती है। चूजा लाने पे जो पानी हमें उसे पिलाना है वो हम ब्रूडर चलाने पे रख देंगे, करीब 3 से 4 घंटे पहले रख देंगे,
इससे क्या फायदा होगा, पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा जी, 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर तक का ही पानी चूजा पीता है, उससे ठंडा उससे ज्यादा होगा तो पीना अवॉइड करेगा जी, और अगर पीता भी है तो उसको नुकसान करेगा। ठीक, ये हो गया मैनेजमेंट का। बायो सिक्योरिटी का हमने ध्यान रख लिया, पानी जब भी पिलाएंगे उसमें वाटर सैनिटाइजर एक अच्छी क्वालिटी का डब्लू डालेंगे, ऑल क्लीन डब्लू है, एक आता है नया प्रोडक्ट है, उसमें पानी में सफाई करेगा साथ ही काई जमने नहीं देगा, ये दो काम के लिए आता है जी। तो ऑल क्लीन डब्लू आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो लक्ष्य है, पहले हफ्ते में बच्चा कितना जाता है, 1-7 दिन में? पहले हफ्ते में सर लगभग 200 ग्राम तक पहुंच जाता है। मुर्गी में बहुत ही गोल्डन पीरियड का नियम है, अगर पहले हफ्ते में 7 दिन में हमारा चूजा 200 ग्राम का हो गया है जी, तो अगले 30 दिन बाद उसका 10 गुना बढ़ जाना है जी, 2 किलो से कम का फिर बच्चा हमको नहीं मिलेगा जी। लेकिन एक समस्या आती है, कोई चूजा 2 किलो का है, कोई चूजा कम है 1.5 किलो का रह जा रहा है, कोई 1800 ग्राम का है, सब वेट वेरिएशन की दिक्कत आती है या नहीं आती है? आती है सर। इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली जो प्रैक्टिस है, बच्चा आता है तो हम लोग गुड़ पानी पिलाते हैं जी। वो उसको एनर्जी देने के लिए, लेकिन एनर्जी लंबे समय तक शरीर में बनी रहे इसके लिए एनाबोलाइट पी आता है, 10 ग्राम 100 चूजे के हिसाब से उसकी डोज रेट है जी। पहले पानी में उसको हम देंगे और 3 से 5 दिन तक अगर देंगे तो चूजे में वेट वेरिएशन की दिक्कत नहीं आएगी, यॉर्क सैक उसका डिजॉल्व हो जाएगा तो यॉर्क सैक के इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी जी। दूसरा, मुर्गा बच्चा है वो काफ़ी कमजोर होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की दिक्कत आती है। लिक्सेन पाउडर है, 20 ग्राम की पैकेट आती है, 20 ग्राम 1000 चूजे के हिसाब से उसकी डोज रेट है, एक पुड़िया आपने डाला, घोल दिया और चूजे को पिला दिया। ठीक, तो इससे क्या हो गया, इन्फेक्शन नहीं होगा। मुर्गी पालन में जो बीमारी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो कौन सी है? वायरल को छोड़ दिया जाए अगर जी, तो दूसरा सबसे नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? सीआरडी। उसका अगर आ गया, मोर्टेलिटी भले ना हो लेकिन जितने दिन है उतने दिन वेट नहीं आना है जी। फीड का नुकसान सबसे ज्यादा सीआरडी करती है। सीआरडी आने के 2 कारण है, एक तो माता पिता से आती है, दूसरा वातावरण से आती है। तो हमें क्या करना है, माता पिता से आ रही है हमें पता है कि नहीं है, आई है या नहीं आई, ऐसा तो कुछ है नहीं हम चेक कर सके, तो शुरुआत के दिन में ट्रॉक से कहता है टेलोसिन टाइटेस, 10 ग्राम 1000 चूजे पे उसकी डोज है, 1000 बच्चे के लिए 120 ग्राम लगेगा, 10 ग्राम पहले दिन 1000 चूजे पे, 10 ग्राम दूसरे दिन 1000 चूजे पे, 10 ग्राम तीसरे दिन 1000 चूजे पे देंगे तो जो माता पिता से आने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। बाकी 21वें दिन 90 ग्राम हम लगा देंगे 1000 चूजे के हिसाब से, तो वातावरण से आने वाली जो सीआरडी है उसकी भी समस्या कम हो जाएगी। दूसरा, मुर्गी में इम्यूनिटी की काफ़ी कमी होती है। क्यों कमी होती है? दुनिया में अगर देखा जाए तो केवल मुर्गी ही है इस समय की जो ब्रॉयलर के बच्चे, जिन्होंने अपनी माता पिता को नहीं देखा होता है जी। मानते हैं या नहीं जी? मशीन में अंडे से बच्चा निकाला, सीधा आपके पास आ गया जी। तो उनके अंदर माता पिता की इम्यूनिटी नहीं आ पाती है, सबसे कम इम्यूनिटी मुर्गियों में ही इसीलिए होती है जी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन देना होता है जो कि वाइमराल है, आप लोग यूज भी करते हैं, थोड़ा सा आपको लगता होगा कॉस्टली है लेकिन जितना वो एनर्जी देगा, स्ट्रेस खत्म करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, कई सारी बीमारी से, कई सारे भविष्य में होने वाले नुकसान से हम बचाव कर सकते हैं। 5 ग्राम 100 चूजे के हिसाब से बच्चे के लिए डोज है उसकी, 5 ml 100 बर्ड के हिसाब से शुरुआत में 3 से 5 दिन हमें ये देना है। और बी कॉम्प्लेक्स में ग्रोविप्लेक्स आता है, 10 से 15 ग्राम 100 चूजे के हिसाब से, 10 से 15 ml 100 चूजे के हिसाब से हम देंगे ग्रोविप्लेक्स, तो फेदर क्वालिटी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, उसका नर्वस सिस्टम सही रहेगा। तो ये 5 दवाइयाँ हमें शुरुआत में देनी है। पहला है एनाबोलाइट, जैसे ही आता है तुरंत देंगे, वाइमराल देंगे जिससे तनाव ना हो उसको, लिक्सेन देंगे इन्फेक्शन ना हो, सीआरडी से बचाव के लिए ट्रॉक्स देंगे और ग्रोविप्लेक्स देंगे। ये 5 दवाई अगर हम दे रहे हैं तो जो 200 ग्राम का वजन आना चाहिए, पहले हफ्ते में 200 से ऊपर ही वजन आएगा आपका अगर आपने मैनेजमेंट और सही रखा है। चूजा जब आ रहा है तो पहले 24 घंटे हमें उसे पेपर पे ही खिलाना होता है, जो पहले जो बताया है तो जो देना है कोशिश तो हम लोग यही करते हैं एंटीबायोटिक ना यूज करना पड़े, तो उसको अगर लगाया जाए तो एंटीबायोटिक कोई विशेष जरूरी नहीं, लिक्सेन लगानी है। वो मैंने इसीलिए बताया, लिक्सेन भी एंटीबायोटिक मैंने क्यों बताई, एक माइल्ड एंटीबायोटिक है, उसको अगर हमने दिया
तो आज 2 घंटे के अंदर वो बॉडी से विड्रॉ हो जाता है, यानी कि उसका ह्यूमन बॉडी में फिर समस्या ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है ना। कुछ एंटीबायोटिक होते हैं अगर हमने दे दिया तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आदमी को उसका मीट कंजप्शन नहीं करना चाहिए, दवा पे लिखा होता है मीट में विड्रॉ पीरियड कितना है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? मुर्गा कौन खाएगा? आदमी ही खाएगा। तो उस दवा से आदमी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भविष्य में होने वाली सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में। अगर हमको जुखाम भी हो रहा है और दवा जो हम खा रहे हैं अगर फायदा नहीं की तो क्या होगा? बाद में निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, आदमी की मोर्टेलिटी भी हो सकती है। इसीलिए दवाइयाँ बचा के रखनी है। लिक्सेन, इसीलिए हमने एंटीबायोटिक, शुरुआत में लोग हाई एंटीबायोटिक लगा देते हैं तो जब बीमारी आएगी तब उस समय हम लोग क्या करेंगे? तो काम नहीं करेंगे, वो दवा फिर काम नहीं करेगी। तो उससे हायर जनरेशन में अभी आदमियों में ही है दवा, लेकिन वो भी भविष्य में आदमी के लिए भी तो दवा चाहिए ना। मेन तो हम लोग बचेंगे तभी सबको बचा सकते हैं जी। इसलिए लिक्सेन एंटीबायोटिक यूज करनी है। ये अगर हम कर रहे हैं तो जितनी भी हमारे फॉर्म में आप अभी तक करते आ रहे हैं, मोर्टेलिटी जितनी भी होती है उसमें भी 1% कम से कम मोर्टेलिटी कम कर देगा। यानी 1000 बच्चे अगर हमने पाले हैं तो 10 मुर्गे हमारे बचेंगे। और जितने भी मुर्गे हैं, यानी 1000 की फार्मिंग की है तो प्रति मुर्गे पे कम से कम 100 ग्राम का वजन आपको 30वें दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, जो भी आप अभी तक लेते आ रहे होंगे सेम फीड में सेम मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में जो मैंने सुधार बताए अगर आप करते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आपके फार्म का कम हुआ, 35 से 34 हुआ, तो शरीर की जो ऊर्जा है वो किस काम में जाएगी? ठंडी से बचाव करने में, तो वो वजन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा जी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो वो खा रहा है वो वेट में कन्वर्ट हो, बस इसीलिए हम पालन कर रहे हैं। सबसे महंगा दाना अभी आ रहा है, हम लोग भी इतना महंगा नहीं खाते होंगे जी। आटा कितने रुपए किलो? आटा 20 रुपए किलो होगा, 22 रुपए किलो होगा, लेकिन उसका कितने रुपए किलो दाना है? 44 रुपए किलो दाना, तो दुगना महंगा दाना खा रहा है। तो इसलिए चूजे में जो भी हम पालन कर रहे हैं पहला हफ्ता हमें जरूर बचाव करके रखना है। ब्रूडिंग मैनेजमेंट अगर जिसने भी सही कर लिया है वो फार्मर हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है, क्योंकि जो नींव है अगर वही मजबूत है तभी तो बहुत मजबूत बनेगा। और आगे आप लोग को कोई समस्या आती हो तो बताइए। आज हमारा जो मेरा उद्देश्य था ब्रूडिंग आप लोग को बताने का था जी। कि ब्रूडिंग आप लोग सही करेंगे बाकी तो मैनेजमेंट में बहुत सारी समस्या आती है। जैसे एक समस्या आएगी कि 20वें 25वें दिन के बाद से बड़ी जो मुर्गी है सबसे अच्छी मुर्गी पलट के मरने लगती है, बड़ा मुर्गा। हमने अगर उसका पोस्टमार्टम किया तो अंदर देखेंगे लीवर एकदम काला हो रखा है, हार्ट साइज बड़ा हो गया है, किडनी साइज बड़ी हो गई है, तो ये टॉक्सिसिटी की समस्या आती है। इसके लिए कार्निफोर्सिन एक प्रोडक्ट आता है, जैसे ही 4th सप्ताह लगता है 21वें दिन के बाद से, 3 दिन अगर हम 25 ml 100 चूजे के हिसाब से अगर हम दे देंगे तो ये समस्या नहीं आएगी।